पता है, मैंने अभी ना केमिस्ट्री की फाइल भी नहीं बनाई, और कल प्रैक्टिकल है मेरा बेटा। खतरों के खिलाड़ी आप ही के लिए बने थे, ठीक है? ऐसा मैम। बहुत सुर मैं अच्छा निकाल नहीं डायलॉग। पाऊंगी। ठीक है, तो आज अल्टरनेटिंग करंट का अपन लोग पढ़ेंगे, फोर्थ लेक्चर। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे जो बातें कर चुकी हूँ, फटाफट से मैं आपको उसका क्विक रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, ठीक यस मैम। है। तो आप कहते हैं मेरी हेल्प करना, तुम क्या है कि मैं तो 2-3 दिन पुरानी बातें भूल जाती हूँ, पर तुम नहीं भूलने चाहिए हो। तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी और तुम मुझे उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बता दो। सबसे मैम अभी पहले मैंने ट्वेल्थ कब लिखा करी थी? प्योर रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है? बताओ इसका स्टेटमेंट क्या था? मैम करंट और वोल्टेज सेम स्टेटमेंट फेज में सेम होंगे। फेस में होंगे। नहीं। चलिए मैम हम टॉप नहीं मैनोमीटर मैम टेस्ट। मैम हमारी ये प्लानिंग हो तो गई मैम, हमारी प्लानिंग हो गई मैम। मैम ये तो कर लिया था, इसके आगे का भी कर रहे थे। हाँ, सारा ही करेंगे ना, एक बार रिवाइज शुरू से ही कर लेते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सर्किट थ्योरी का एक भी पार्ट अपन लोग कभी भी मिस करें। यस और ये मैम। तुमको बिल्कुल याद होना चाहिए ना, कहते ना कि बस रात में कोई उठा के भी पूछ ले तो भी तुम आंसर कर पाओ, वैसे वाला। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या कहानी थी? करंट लीड करेगा पोटेंशियल। वेरी नाइस। मैम ऐसा तो रिवीजन नहीं करते मैम कि सोते हुए भी पूछ लेते, याद हो सोते हुए बोलेंगे हट जाए ऐसे हम सुनते। कहने की बात है, करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय पाई बाय टू फेज। ठीक है, चलिए। यस मैम। तो पता है मुझसे कोई सोते हुए में बात करता है ना, मैं उससे बिल्कुल ऐसे बात करती हूँ, बिल्कुल अलर्ट माइंड के साथ, जैसे कि मुझे सब कुछ पता है। और मुझे कुछ नहीं पता होता, मेरी नानी का फोन आया था और मैं सो रही थी, मैंने कहा मम्मी मम्मी मंदिर गई हैं, नहा धो चुकी हैं, सुबह के 6 बज रहे थे। ठीक है, मैम पर मैम ये बता देना मैम कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं मैम, अच्छा, बिल्कुल। इतनी हेल्प प्योर करोगे इंडक्टिव मेरी सर्किट का हमको बताओ मैम। इसमें करंट जो है वो लैग मैम। करता है पोटेंशियल से करंट पाई बाय लैग टू बिहाइंड फेज। द वोल्टेज बाय पाई बाय टू फेज, फेज डिफरेंस पाई बाय टू। यस मैम, पाई बाय टू बिहाइंड और आगे भी निकला था, बस प्लस कर दो, हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा चलो वेरी नाइस। मैम आपका घर तो पास है, आप आ जाना, कोई टीचर तो आ गया हमारा। मैम ओके ओके मैम आप हमारे बस फोन के साथ रहना। टिकट का पैसा आप ले लेना हमसे, आ जाना। मैम हम आपको पोल भेजा करेंगे, आप पोल में आंसर बता देना। सही बोला। हाँ तो मेरे लिए पोल लॉन्च करोगे ना, गूगल मीट भी कर लेंगे साथ में। अच्छा अभी नहीं मैम पोल भेजेंगे। मैंने कल तुम्हें बताया था सीरीज एलआर सर्किट, यस हाँ, मैम बताया इसके था। बारे में क्या बताना चाहोगे, क्या करंट और वोल्टेज का रिलेशन था यहाँ पर? मैम कैन यू चेंज द वर्ड रिलेशन? मैम करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय पाई बाय टू, नहीं करंट पाई से, पाई पाई से, पाई पाई से, से, पाई से, पाई पाई लेट्स पाई पाई। बिहाइंड द पोटेंशियल बाय फाई। मैं हाँ वो कैपेसिटर में होता है, बताया कैपेसिटर में होता है लीड। था ना, इंडक्टर मतलब लूजर, एल यस करंट मैम। लेग्स हाँ बिहाइंड द मैम। पोटेंशियल बाय पाई। पाई बाय टू से रहता अगर एक खाली इंडक्टर होता, लेकिन यहाँ पे एल आर सर्किट है, आर की कोशिश रहेगी कि जीरो फेज डिफरेंस हो जाए, लेकिन जीरो ना हो के वो पाई बाय टू से कुछ कम हो जाएगा, कुछ फाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बातें हुई थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज सी आर सर्किट, राइट? यस मैम। इसमें करंट यस, लीड कर रहा था लीड्स पोटेंशियल से बाय पाई पे। पोटेंशियल, पोटेंशियल बाय पाई बाय टू, वो मैं फाइव मैम, फाइव फाइव बाय टू। फाइव यस वेरी नाइस। करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय फाइव। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके थे। थोड़ा सा एलआर सर्किट और सीआर सर्किट को मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एलआर सर्किट था, तो आपने देखा था कि पहले आप इंडिविजुअली बना लो कि खाली अगर करंट ऐसे दे रखा होता तब चीजें क्या होती। तो खाली अगर इसके बेसिस पे बनाओ तो मुझे पता है कि भाई पोटेंशियल रेसिस्टर का इसी के फेज में होता है ना, और इंडक्टर के लिए क्या होता, पोटेंशियल आगे होता क्योंकि करंट पीछे रह जाता है। हाँ, करंट अब बीच में क्या होगा कि इनकी दोनों के बीच से कहीं, मतलब बीच से नहीं, मतलब इन दोनों के इन बिटवीन द रेंज आपको लाई करता हुआ दिखेगा नेट वोल्टेज, ठीक है, विच इज मेकिंग सम फाई एंगल।
तो कुल मिला के एल आर सर्किट में पाई एंगल का फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच, राइट। ये हमारा डिस्कशन था। अगर सोचो मैं आपको मैसेज वो सारे कर रहे हैं सब बच्चे, ओके, क्या क्लास ज्वाइन नहीं हो रही ऐसा कुछ? नहीं मैम, अभी अभी छोड़ो वो, अपनी तुम क्लास पे फोकस करो, ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। I is equals to I not sin omega t, ये आपको करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है। मैं आपसे पूछूं, इसे मैंने LR सर्किट में रन कराया, तो बताओ वोल्टेज का क्या रिलेशन आएगा? V not net कैसे, एक मिनट रुको, V net कैसे लिखूं मैं? तो आपको याद होना चाहिए कि आप इसको प्लस फाइव, यहाँ पे करंट पीछे हो जाएगा आपके लिए आर, ये चला जाएगा आपके लिए एक्सएल और ये आ जाएगा आपके लिए जी सी, का वैल्यू निकाल सकते हो एक्सएल बाई आर, वेरी गुड। और आई गेस आपको याद होगा कि एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल होता है। ये सारी पुरानी बातें हैं, इनको बस याद रखना। यस मैम। ऐसे ही सेम डिस्कशन हमारा सीआर सर्किट को लेकर हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सीआर सर्किट है और ये करंट का डायरेक्शन दे रखा है और मैं आपसे बोलूं कि रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज निकालो, तो आपको पता है सेम फेज में आएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए वो 5/2 एंगल पीछे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये नहीं नहीं, खाली कैपेसिटेंस के लिए, पाई के लिए तो ये नेट वाला आएगा ना, मतलब पाई एंगल पीछे, ये इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें आप मुझे क्या, अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन दे रही हूँ आपको I is equals to I not sin omega t, तो V net का एक्सप्रेशन क्या आएगा? Not sin omega t minus 5/2 नहीं ना, 5/2 सिर्फ पाई आएगा, माइनस, ठीक है, सिर्फ फाइव है, ओके। चलिए अब आप यहाँ पर आइए, मैंने बोला था कि आप इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बना दो, है ना? यस, तो इम्पीडेंस ट्राइंगल में यहाँ पर आएगा आर, यहाँ जाएगा एक्स सी और ये हो जाएगा आपका जी, है ना, मेकिंग सम एंगल फाइव। यहाँ से आप याद रखेंगे tan फाइव इक्वल्स टू एक्स सी बाय आर, और xc का वैल्यू होता है 1/ωc, राइट? ठीक है, तो मैंने कल आपको LR सर्किट पे खूब क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है, अब CR सर्किट पे एक क्वेश्चन करा दो मैम, करा दो मैम, बढ़िया। हाँ जी बेटा, मैम LC सर्किट नहीं होता क्या? बेटा LC सर्किट होता है, LC ऑसिलेशन होता है, ठीक है, वो भी आएगा आपके पास जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे ना, वो पहले एक बार एलसीआर सर्किट कर लेंगे उसके बाद आएगा, उसका एक केस होता है, ठीक है, डोंट वरी मैम। हाँ जी बेटा, मैम तुषार को हेलो बोल दो, कब से मैसेज कर रहे। हाय तुषार, नमस्ते बेटा, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम, और बताओ मैं, और अरे यार मैंने बताया, हाय अनम, अगेन ऐसे हेलो, हाँ एक वो नहीं था, अभी एक अंकित इंस्टाग्रामर है जिसने 75 हार्ट चैलेंज पूरा किया है, उसी की तरह बात करेंगे ऐसे। राम राम सारे भाइयों ने और बहनों को भी। हाँ ए मैम, वो है वो सिस्टम, मैम सिस्टम है, सिस्टम राम सारे भाइयों ने, चलो इसमें मैं आपको क्या बोल रहे हो? राम राम भाई, मैं कह रही हूँ आपका सिस्टम है, मेरा सिस्टम है, इसलिए मैम क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते टेस्ट में, सिस्टम की वैल्यू रखनी पड़ती है ना। चलो आपको फाइंड करना है सबसे पहले एक्सएल, सॉरी एक्ससी, एल हमें ऐसे ही याद आ गया, अरे भैया, फिर आप फाइंड आउट कीजिए जी, फिर आप फाइंड आउट मैम एक्ससी निकल गया, और आप फाइंड आउट करो सेवेंथ पार्ट में वी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक
ठीक है इतनी नहीं बी ऐसा फंक्शन ऑफ टी तो है ही सॉरी 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 बस और क्या बचा छह पार्टिकल लो अभी टाइम रुक जाओ सारे बताना ऐसे में बताओ एक साथ मतलब अलग अलग बताओ एक साथ बताना 1923 पर बताओ मैम तीन हो गए हाँ मैम वेरी नाइस बस 23 पर बताना ठीक है चौथा भी हो गया मैम पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अरे ऐसे आ जाएं तो मजे ही आ जाएंगे भाई बिल्कुल बेटा ऐसे ही क्यों मैम झूठ तो नहीं बोल रहे ना ऐसे आएंगे ना पक्का अरे मेरी दोस्ती का मैम इसे आप मारोगे या मैं चुप करा लो मैम गंजे हो गए मैम गंजे चुप हो जाते गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम डन 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 मैम तुषार से ही पूछना सारे अभी आंसर मैम हो गया डन हाँ पूछ लो भाई मेरे को मैंने करे हैं तभी तो बोल रहा हूँ सोच रहे मैंने करे नहीं है अरे भाई तू बुरा क्यों मान गया चांद का रेडियस बता भाई नाइस क्वेश्चन क्वेश्चन पे रहो भाई चांद तो शाम कुछ भी बोल दोस्त अभी के लिए क्या ही पता अगर गलतियां नहीं अभी बताना चेक करके कुछ बताना तुषार भाई तू की बोल दे इसे कौन सा पता है चांद का रेडियस जैसे बोलना कि अर्थ का सेंटर है यहीं पे यहां से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में मैम मैम चांद का रेडियस कौन रहा है वही तो सही बोला अक्षय भाई सब तुम लोग मस्त हो ऐसे आपस में ऐसे बात करते रहो ऐसे मेरे साथ देने के लिए अरे कोई साइड बाइट ऐसे कूल थैंक यू मैम थैंक यू चलो चलो सभी का आंसर आ गया अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताना हो गया हाँ निगम आप बताओ बेटा क्या आंसर आ रहे हैं निगम निगम यस मैम हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है मैम मैंने अभी नहीं निकाला है उसका छह के छह के अभी से कुछ भी नहीं निकाला अभी नो मैम डिफिकल्ट पड़ रहा है चलो ममता ने आंसर कर दिया हाँ मैम गूगल से देखा है सेम डिटो पहले का आएगा चार एक्स ही चार है जेड हमारा पांच आया okay. करंट हमारा तो एम्पियर okay. आया बाकी निकाल दो ओके तुषार तुम बताओ बेटा तुषार मैम चला गया देखो यस मैम हाँ बताओ क्या कौन सा बताना है मैम आंसर सारे बता दो कौन सा सारे मैम पहले का चार दूसरे का पांच तीसरे का दो और चौथे का आएगा 2 sin ब्रैकेट में 10^4 t प्लस में 83 डिग्री और पांचवे का आएगा ये 6 और छठे का आएगा 8 नहीं नहीं देखो नहीं, vrt और vct है मतलब ऐसा फंक्शन ऑफ t जाएगा चलो ठीक है मैं बता हाँ वेरी नाइस मैम इसे सारे बता दिए चलिए अब हाँ अब हम देखते देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है उसको आप कंपेयर कर लो फंडामेंटल वाली इक्वेशन से ना फंडामेंटल वाली फॉर्म से तो जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे आपको ओमेगा का वैल्यू दिख रहा है 10^4 फर्स्ट पार्ट में मुझे एक्स सी निकालना है ठीक है जिसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा टाइम्स ऑफ सी यानी कि 1/10^4 बेटा सी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 25 माइक्रोफैरड 25 माइक्रो का मतलब 10^-6 आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे 10^-2 रह जाएगा ऊपर जाएगा 10^2 हो जाएगा हाँ बेटा मैम एक और आप डायग्राम दिखाना हाँ जी एक मिनट ये आया आपके पास 4 ओम लो फटाफट से देखो हाँ चले यस मैम चले बढ़िया अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की एक सेकंड मैम स्क्रीन स्टक है बेटा नहीं होता ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात मैम की स्क्रीन स्मार्ट स्क्रीन है
यस सेकंड पार्ट की बात करते हैं जी ऑक्सफोर्ड एनआईयू वन ने मुझे दिया जी इज इक्वल्स टू अंडर अंडर रूट एक्स स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर ठीक है एक्स सी का वैल्यू होता है फोर स्क्वायर मतलब यहाँ पे फोर था हमने निकाला आपका वैल्यू आप देख लो क्वेश्चन में गिवन होगा इट इज थ्री ओ यस मैम तो बच्चों आपके पास क्या बच गया फाइव का स्क्वायर यानी कि आंसर आया फाइव ओ दिस इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट या जो भी आपका है ना जो आपके सामने पूरा डायग्राम देख अब थर्ड में आपसे बात की गई थी आई नॉट कि मैक्सिमम करण निकालो तो इसके लिए आपको वी नॉट लगेगा वी नॉट का वैल्यू क्या है 10 आपने कंपैरिजन से निकाला राइट आप यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे आप एक सेकंड बेटा यहाँ पे आप लिख दीजिए कि I नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय जी यानी कि 10 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर कूल अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट हमसे कह रहा है क्या कह रहा है कि भाई आप हमको I एज ए फंक्शन ऑफ टी बता दो ठीक है निकालते हैं तो मुझे पता है ये है CR सर्किट और CR सर्किट में करंट लीड्स बाय पाई एंगल है ना पाई एंगल से लीड करता है तो जो भी आपको करंट का एक्सप्रेशन वोल्टेज का एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें आपको पाई एंगल प्लस करना पड़ेगा तो मुझे पता है 10 की पावर 4 टी प्लस कितना दे रखा है 30 डिग्री बेटा ये तो पूरा फेज हो गया वोल्टेज का लेकिन आपको इसमें फाइ ऐड करना पड़ेगा अब क्वेश्चन आता है कि भाई फाइ कैसे निकाले तो मैंने आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल का फार्मूला बताया इट इज 4/3 अरे भाई तो मैजिक ट्रायंगल वाली सिचुएशन आ गई यहाँ पे हम पहले फाइव मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर 4/3 और यहाँ पे 5 मैंने आपको बताया था बड़ी वाली साइड के सामने बड़ा वाला एंगल आएगा तो 4 के सामने यहाँ पर क्या आएगा 53 डिग्री ठीक है yes, आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए आई नॉट का वैल्यू अभी आपने निकाला था 2 एम्पियर 2 साइन 10 की पावर 40 प्लस बेटा 30 और 53 को आप ऐड करोगे तो 83 डिग्री हो जाएगा ठीक है yes, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की फिफ्थ पार्ट इज टॉकिंग अबाउट वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टी इसका फॉर्मूला का फॉर्म जाएगा वी नॉट आर साइन जिस फेज में आपका करंट है उसी फेज में वोल्टेज रहने वाला है रेसिस्टेंस के लिए विच मींस 10 की पावर 40 प्लस 83 डिग्री राइट अब वी नॉट आर निकालना है तो बेटा आपको पता है वी नॉट आर निकालना होता है आई नॉट इनटू आर आई नॉट का वैल्यू आपने 2 निकाला आर आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है 6 वोल्ट आ गया 6 साइन 10 की पावर 40 प्लस 83 डिग्री नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था VC as a function of T देखो इसका फॉर्म ऐसे लिखोगे ना V not as a function of C sin याद रखना इसमें आपके पास pi by 2 का फेज डिफरेंस होता है और करंट लीड करता है तो जो भी आपके पास करंट का फेज है आपको उसमें से माइनस 90 करना पड़ेगा वोल्टेज लिखने के लिए इज दैट फाइन यस मैम तो आपके पास 83 डिग्री ये था करंट का फेज माइनस कर देंगे आप 90 डिग्री V not C निकालना अगेन क्या आ जाएगा I not into XC I know yes ma'am okay आएगा I not का वैल्यू 2 मैम 8 आएगा V not C okay XC आपको 4 दे रखा था मतलब हमने निकाला था 8 वोल्ट आ गया यहाँ पे आप 8 पुट कर दीजिए ये हो जाएगा 10 raised to the power 40 plus sorry minus 7 degree yes ma'am अब आपको आई गेस सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे आप डील कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है अभी नो मैम ठीक है अब हम टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ठीक है हम जाएंगे एलसीआर सर्किट तक लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक सा डिस्कशन कर लेते हैं मैम एक बार मुझे स्लाइड्स दिखा हाँ जी बेटा आप मुझे बताओ कहाँ से देखना है मैम इससे पहले वाला मैम अभी अवंती से फोन आया था मेरे पास मैं कैरेट तेरे ट्रांसपोर्ट क्लास में ले रहा क्या बेटा अवंती से फोन आया था मैम का कह रही थी आपके अटेंडेंस छोटा क्लास में फिर आपने बोला कि आप रेगुलर हो मैम अभी कहा था कि रेगुलर हूं मैं आप कंफर्म कर लो मैम से हां हां बिल्कुल मेरे पास आएगा तो आई विल कंफर्म दैट डोंट वरी मैम मुझे भी कॉल आया था मैम मुझे कह रहे थे कि तुम आ रहे हो ऑफलाइन टेस्ट में मैंने कहा यस मैम जिनके पास नहीं आएगा कॉल वो भी जाएंगे ठीक है चलो हम बात करते हैं मेन टॉपिक फॉर्म तो भरा था हाँ बेटा
मैम जहाँ पे थर्ड, मैम थर्ड का सोल्यूशन क्या था, मैम वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए थर्ड पार्ट का। अब हम बात करेंगे पार की। तो आपको पता है हमने ये वाला डिस्कशन किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद है? हाँ मैम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि किसी भी, आपको याद हो मैंने वो प्यारे से बल्ब बनाए थे, है ना? आप लोगों को ड्राइंग काफी पसंद आई थी। यस मैम। बेटा ड्राइंग की हद तो मैंने आज 11th क्लास में करी थी, कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी अभी। हाँ याद है, आप रिकॉर्डिंग भेज देना, हम देख लेंगे। यार रिकॉर्डिंग करना तो खाने में मजा आएगा मैम। कौन सा चैप्टर, कौन सा? कोलिजन चल रहा था। कोलिजन? यस मैम भेज देना। मैम आपने उस दिन वाली रात वाली रिकॉर्डिंग नहीं भेजी आज तक? आज तक मैम आपने देखते रहिए कल तक। वो शायद आपने वो शायरी सुनाई थी, वो मांगी थी, आज तक मेरे पास नहीं आई वो। आज तक नहीं आई मैम, अभी तक वो आया नहीं। मैं बोलती हूँ खुशी मैम को, क्या कर रही हो मैम? बोल देना खुशी मैम को, मैम खुशी मैम को बोल दीजिए वो क्लासेस ले अपनी बहन को ना भेजे। मैम वो एक बार लास्ट पेपर दिखाना, वीसी मैम, वीसी वीसी दिखाना, एक बार आंसर चेक करना है। हाँ तो देखो तुम मेरी बात सुनो, इतने शांति से देखो। सही है, सही है, सही है, सही है। ओके डन, ठीक है। जो पार वाला पार आपने पढ़ा था, मैम हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बेटा। जो पार वाला फॉर्मूला था बेटा, आपको याद है वी आई पढ़ा था हमने? वो कहानी नॉर्मल थी जब हमारे पास आता था एक डीसी करंट, क्योंकि वो कांस्टेंट था विद टाइम। लेकिन जब हम पढ़ते हैं एसी करंट, तो आपको पता है एसी करंट में बी एंड आई आर द फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? फंक्शन है टाइम के। yes, तो अगर ये वेरिएबल है तो आपको समझ में आता है कि पार भी वेरिएबल होगी। yes, पार तो ये होती है ना, इट मींस yes, पार is also a function of time. ठीक है भाई, बिल्कुल बात सही भी है, sense भी है इस बात में, ठीक है? आपको मैंने functions लिखाए थे कि v as a function of t आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपके घरों में signals आते हैं, है ना? जो हमारे घर में electricity आती है, इस form में आती है। हमने AC generator पढ़ा था और उससे हमने signals का form निकाला था, right? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पार एट टी, एनी टाइम टी निकालो या पार एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालो, तो आप कैसे, क्या करने वाले हो आप? इनको मल्टीप्लाई तो करोगे, है ना? मैम टी और आई को इनटू कर देंगे। हाँ जी, तो ये पार हो गई एट एनी इंस्टेंट टी। बट आपको पता है हमारा तो काम होता है कि भाई हम एवरेज पार निकालें। तो अब हमारा जो डिस्कशन है वो डील करना चाहेगा एवरेज पार। अब एवरेज पार कैसे निकाली जाए? तो आई गेस आपको याद होगा v नॉट i नॉट, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, मतलब लाइक अच्छा अच्छा एक चीज और, नहीं 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 एक चीज और रह गई। यहाँ पे हम फेज डिफरेंस भी अज्यूम कर लें, क्योंकि हमें पता है फेज डिफरेंस रह जाता है, ठीक है? तो अभी हम कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ओमेगा टी जो है करंट के लिए, मतलब करंट का जो फेज है वो कुछ फाई आगे है, ठीक है? जस्ट फॉर टाइम बीइंग हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि फेज डिफरेंस है, ताकि हम फेज डिफरेंस को पिक्चर में ला पाए जब भी हम पार का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम, ये तो बस अज्यूम किया है हमने। हाँ, फाई जस्ट टू इंट्रोड्यूस दैट फाई। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे करंट लैग कर रहा है तो फाई को नेगेटिव मान लो, कहीं करंट एक्सीड कर रहा है तो प्लस में रखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसको आपको डील करना है, राइट? यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को लिखते कैसे? इसको थोड़ा सा मतलब लाइक एक्सपेंड करो आइडेंटिटी वाइज, याद है क्या? देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, नहीं नहीं प्लस फाई है ना बेटा। मैम जब हम पावर का एवरेज ले रहे हैं तो इन सब का भी तो एवरेज लेंगे ना, जो साइड में जा रहे हैं। यस यस, वो साइन है, इसको ऐसे लिख दो। देखो साइन ए प्लस बी को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। यस, आप इसको ऐसे एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दो, एक सेकंड रुको बस मैम। ना भी हम लिख देंगे मैम, मैथ्स कम है और फिजिक्स में भी आइडेंटिटी दे रही मैम।
कोई नहीं, वी नॉट आई नॉट, यहाँ पर आप लिख दो साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको जरा एक्सपेंड करो, आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। ध्यान रखना इसके ब्रैकेट के बाहर एक साइन ओमेगा टी ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। यहाँ पे बार वाला लगा देते हैं, बी नॉट आई नॉट, बार क्यों लगाया आपने, क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइ, और इधर क्या आ गया बेटा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन स्क्वायर फाइ, राइट मैम, साइन स्क्वायर फाइ साइन स्क्वायर नहीं ओमेगा टी है ना, और साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। अब आप इसका एवरेज लो, तो आप इस एवरेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर दी ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा v नॉट i नॉट ऐसे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कॉस फाई का, फिर आ जाएगा साइन ओमेगा टी इस पर बार, कॉस ओमेगा टी इस पर बार, और साइन फाई इस पर बार। कोई दिक्कत? नो, ठीक है। देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट का एवरेज तो वही वैल्यू रहती है भाई, टू का एवरेज क्या हुआ, टू ही रहेगा, विद द टाइम पे चेंज हो नहीं रहा वो। तो यहाँ पर वी नॉट आई नॉट एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब भी आप एवरेज लोगे वो हाफ होगा, है ना, हाफ बेटा। कॉस फाई का कॉस फाई रह जाएगा क्योंकि फाई इज अ कांस्टेंट भाई, डिपेंडेंट तो ओमेगा है ना, साइन ओमेगा टी, टी पे आ रहा है ना ओमेगा, फाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, ये जो साइन ओमेगा टी है इसका एवरेज जीरो हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का भी जीरो और साइन फाई का साइन फाई का हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आई वो क्या आई, बी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर एवरेज। हाँ मनीषा बोलो बेटा। मैम यहाँ से बताना v नॉट i नॉट एस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मतलब ये वाली ब्लैक लाइन ये वाला, यस। हाँ देखो मैंने क्या करा, उस जो वो बार लगाया था एवरेज वाला उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करते जितने भी यहाँ पे टर्म्स थे, तो v नॉट i नॉट कांस्टेंट है एज इट इज आ गए, राइट, यस। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैंने आपको ये याद करने बोला था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इनका एवरेज फॉर द फुल साइकिल इज हाफ। जब आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इनका एवरेज निकालना है फुल साइकिल के, तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि जितना पार्ट पॉजिटिव उतना पार्ट नेगेटिव, राइट, यस मैम, राइट। तो आपके पास कुल मिला के पी एवरेज का फॉर्मूला आया बी नॉट आई नॉट बाई टू, अगर किसी और इंटू कॉस फाइव। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई हमसे ये वाला नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पार एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला और होता है जो बाय डेफिनेशन हम जाएंगे पी डॉट डी टी डिवाइडेड बाय जीरो टू टी डी टी, इस तरह से, ठीक है। हाँ बेटा मैम कॉस फाइव का सेम ही रहेगा एवरेज, वही रहेगा, क्यों, क्योंकि phi is a constant ना, तो cos phi is constant, constant का average constant ही रहता है, वही value आ जाती है। This power is the instantaneous power, power as a function of t वाला, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इस expression को alter करते हैं, एक second। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो power average लिखा है, इस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ, v not by root 2 into i not by root 2, yes ma'am, और इसको मैं cos phi लिख दूँ। आई गेस आपको v नॉट बाय रूट 2 याद आया, वो v आरएमएस था, v आरएमएस, यस मैम, दिस इज i आरएमएस, दिस इज cos phi। ये फर्क है डीसी की पावर एवरेज, डीसी की पावर में और एसी की एवरेज पावर में। डीसी की जो आपके पास पावर आती है वो v इनटू i आती है, दैट्स इट। बट यहाँ पे cos phi का फैक्टर और आया, और ये जो cos phi का फैक्टर आया ना बेटा, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। Is that fine? इसी को क्या बोलते हो? अब देखो यहाँ पे मैंने जर्नली वहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव इंट्रोड्यूस किया था, पर यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। आपको फाइव पता होता है ना, जैसे कि आर, अगर मैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात करूँ तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए आर और वी में, सॉरी वी और आई में कोई फाइव नहीं होता, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो कॉस जीरो पुट कर दोगे यहाँ पे, आपके पास पी एवरेज आ जाएगा वी आई, सिंपल है ना। Yes, अगर मैं बात करूं आपसे कैपेसिटिव की और इंडक्टिव की, दोनों के लिए पाई बाय टू पुट करोगे जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यस मैम, फाइन, ठीक है। तो दिस कॉस फाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप ध्यान रखोगे इसका मैम, यस मैम, स्लाइड दिखा दो,
मैम एक बार स्लाइड मैम तो मतलब जैसे हमारा जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें हमारा पार नहीं जाता है। एवरेज पार हमेशा ध्यान रखना एवरेज पार जीरो होता है, इंस्टेंटेनियस पार आपको मिल जाएगा मैम ऊपर ठीक है थोड़ा ऊपर का दम स्लाइड मैम इस चैप्टर से जैसे आपने कराया वैसे क्वेश्चन आएगा ना टेस्ट बेटा अभी मैंने टेस्ट के क्वेश्चन जैसे देखे नहीं है लेकिन अभी से एक न्यूमेरिकल सेशन होना जरूरी है जो कि टू बी बाय योर्स हमारा हो नहीं पाएगा 17 सितंबर से पहले ठीक है मैम आगे कर दो हम टेस्ट से क्वेश्चन सैटरडे को जो हमारा अगर सेशन हुआ रिवीजन वाला तो उसमें वी विल डू मैम लास्ट सेशन है ना आप मैम 10 क्वेश्चन करा लेना मैम की वाली स्लाइड दिखा दो कौन सी वाली बेटा पावर वाली डेरिवेशन वाली ये वाली ना मैम ये वाली मैम एक बार डेरिवेशन वाली भी दिखा देना ये वाली हाँ एक मिनट बस हाँ ठीक है हो गया मैम हो गया ओके मैम ये जो हमारे हाँ बोलो मैम जो टेस्ट में बुलाते हैं मैम आपके रिकमेंडेशन भी होती है इसमें टीचर्स वगैरह की हाँ होती है और उसके अलावा लेकिन आपके जो अटेंडेंस और प्रीवियस पेपर्स में जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो ज्यादा मैटर करता है हम जैसे अटेंडेंस में भूल कर रखी उन्होंने मेरी हाँ तो आपके पेपर अच्छे होंगे ठीक है और अटेंडेंस अब अगर आपका नाम सपोज नहीं आया ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस तो मुझे अगर लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो आपका नेम वहां होना चाहिए तो आई विल रिकमेंड यू राइट हम पूछते हैं प्लान से पहले फिर मिल जाएगी मॉड्यूल मिल जाएगा कुछ मैम बोल दे यस एंड मैम क्योंकि मेरी क्लास में आप रेगुलर हो तो आई कैन सी ना कि बच्चा रेगुलर है यस मैम ठीक है अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना वो आपको चीजें लिख के नहीं देते तो हमेशा ध्यान रखना अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पार आपको बस लिख के दे दिया कि पार है आपको नहीं बताया कि एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है कि अपेरेंट पार है कि क्या है कुछ आपको लिख के नहीं दिया अबाउट द पार तो आप उसको कंसिडर कर लो कि वो आपको एवरेज पार दिया गया है ठीक है ये मान लो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट दी वोल्टेज एंड करंट अगर आपको वोल्टेज नहीं बताया कि भाई आरएमएस है कि पीक है कि इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है तो उस सिचुएशन में आप मान लो उनको वीआरएमएस और आईआरएमएस ठीक है एवरेज मत मानना यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना कई बार क्या होता है नहीं होता है ठीक है यस मैम KKL मतलब KKL नहीं है तीन के हैं अच्छा KKR है वो वेरी इंपॉर्टेंट KKR मतलब मैम इसका मतलब दिया हो तो ये है पता बचपन में क्या था मम्मी मुझे पढ़ाती थी तो वो जब भी कोई चीज उन्हें इंपॉर्टेंट लगती थी ना उसे मार्क कर देती थी के ये इट्स इंपॉर्टेंट के इज माय इनिशियल तो मेरे को वो आदत पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट के का मतलब फुल फॉर्म है मतलब इसका फुल फॉर्म है खुशी कुमकुम अच्छा ठीक है खुशी कुमकुम तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो इट्स के 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 तीन लेवल इंपॉर्टेंट है बहुत बढ़िया मजा आ गया अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ मैं आपको चीजें लिखा रही हूँ अब बेसिकली इनको लिखवाने का मतलब ये है कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देने वाली हूँ यहाँ से कुछ सर्किट्स जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं उनका फेज डिफरेंस और उनका पावर फैक्टर मैम कितने सर्किट रह गए अभी बेटा एलसीआर सर्किट रह गया है और एलसीआर सर्किट के केसेस रह गए हैं तो कुल मिला के एलसीआर सर्किट है अच्छा संडे को आपका सॉरी सैटरडे को आपको छुट्टी है मैम प्रैक्टिकल है मैम अरे मैम पता है प्रोजेक्ट वगैरह भी देने होते हैं सारे असाइनमेंट अभी देने होते हैं मैम मेरी बातें तो आगे चल के याद आएंगी मैम पेपर होंगे पेपर चल रहे हैं हमारे 20 से स्टार्ट है और 29 को उनको प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करना है लिखवाया है वो पेजेस पे से सबमिट करना है पेरेंट्स आएंगे तो वाली मैम कह रही है मतलब पूरे साल तो हमने कॉपी भी नहीं बनाई क्योंकि कह रही है कल कॉपी चेक करूंगी हमारी पूरी क्लास भाई बहन होंगे घर में उनका यूज करो उस टाइम नहीं करते मैम तो मैम हमने पूरी क्लास में प्लान बनाया वैसे भी हम डांट खाते ही हैं एक और दिन डांट खा लेंगे
बेटा ये तो सबसे बड़ा लाइफ का है ही, सब चीजों से जीत जाते हैं आप जब आपको शर्म आनी बंद हो जाती है। मेरे लिए तो कॉपी चेकिंग है, हम तो कह रहे हैं मैम मतलब पूरी क्लास है, हमारी टीचर कहती है 12th है पूरी, मतलब पूरे स्कूल में सबसे बेशरम क्लास है, किसी टीचर के दांत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात कि आपने ये रेपो साल साल बदल साल बनाई है, ऐसा नहीं कि बन बन जाते हैं। हम कहते हैं ना ये तो हमारा फीचर है। यस, और पूरी क्लास सब साथ में काम करती है तो बहुत मजा आता है ऐसे ना, इन हरकतों में मुझे बहुत ही मजा आता है। बात करेंगे, देखो रेसिस्टर के लिए फाइव का वैल्यू क्या था, जीरो, याद है ना। Yes, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, cos phi, cos phi बन आ जाएगा, cos 0 बन आ गया, very nice। इंडक्टर के लिए क्या था, pi by 2, cos 90, ये 0 आ जाएगा। हाँ, this is again pi by 2, ये भी 0, आपको r by l, जब हम r l की बात करते थे तब क्या था, कोई phi कुछ आता था, है ना। अब cos phi का आप फॉर्मूला अगर निकालो तो आप इंपीडेंस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, वो इंपीडेंस ट्रायंगल इतना मतलब मस्त चीज है ना, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे बेस में आता था R, क्योंकि ये R L है, R by Z, R by Z, yes, X by R, this is Z, this is phi, तो यहाँ से cos phi जाएगा B by H, यानी कि R by X Z, और ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रख लो, ये जो है ना cos phi is equals to R by Z, ये आपको हर केस में याद रहेगा। अगर आपको ये सब चीजें ऐसे 100 याद नहीं रखनी ना, आप इसका फॉर्मूला याद कर लो। मैम रुक जाओ, ये इम्पोर्टेंट बात थी, ये इम्पोर्टेंट बात थी। हाँ आप लिख लो आराम से, cos phi is equals to R by Z। अब एक बात देखो, Z is what, effective impedance ना, या effective resistance, जिसे आपने इम्पीडेंस बोला था। अगर मैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात करूं तो क्या उसमें XL या XC है, नहीं है, वो जीरो हो गए ना, तो नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर, यानी कि आर बचा आर बाय आर वन, देखो पावर फैक्टर वन आया। अगर मैं बात करूं आपसे प्योर इंडक्टिव सर्किट की तो XL तो है उसमें, लेकिन क्या नहीं है, R नहीं है, R जीरो, न्यूमरेटर जीरो तो जीरो, सिमिलरली फॉर C जीरो, है कि नहीं। अगर मैं आपसे इस वाले फॉर्म में बात करूं तो आप लिख सकते हो इसे R by under root X square L plus R square, right? Similarly for R C circuit आप लिख सकते हो cos phi again is equals to R by Z, जहां पे Z का बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, शायद इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई कैपेसिटिव है तो इंडक्टिव की बात क्यों करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, है ना। यस मैम एक बार चैट पढ़ना। यस मैम क्या हो गया मैम, 8 बजे छोड़ देना, एक साथ बात करनी है, अच्छा एक दो बातें करनी है, बिल्कुल बिल्कुल इसी बात, यही तो मैं इंतजार करती हूँ कब तुम बच्चे और बात करो, है ना, और तो कुछ काम है नहीं। मैम स्लाइड दिखाना, बस मैम यही वाली। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज से एक लिख लेना उसको, ठीक है, कोई बहुत बड़ा उसका सिग्निफिकेंस है नहीं। हाँ तो मैं सोच रही थी सैटरडे को मैं तुम्हारा एक एक्स्ट्रा सेशन ले लूं। ले लो मैम, आपकी रिवीजन क्लास 6 बजे शुरू होती है, आई गेस मॉर्निंग में ले लेना मैम, ले लो मैम। एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए, मॉर्निंग में ले लेना 1 सेकंड के लिए बस। मैम मॉर्निंग में ले लेना आप क्लास, 2-3 घंटे की जो भी लेनी हो। यस मैम मॉर्निंग में ले लो। मॉर्निंग में मैम सोती हैं 12 से 2, चुप रह जाइए मैम, 12 से 2 हम स्कूल में रहेंगे मैम, 9 बजे से रख लो, 9 बजे से 12 बजे तक मैम, 9 बजे से रख लीजिए। यस मैम मैम स्कूल भी है तो 9 से 12 नहीं ले सकते मैम, ले लो 4 से 6 और 4 से 6 3 बजे तो मैम छुट्टी होती है स्कूल, 4 से 6 बिल्कुल नहीं, थोड़ा बिजी हूं मैम 3 बजे के बाद। मैम 3 से 6 रख लीजिए। देखो मैं अभी ग्रुप पे पोल लॉन्च करूंगी 3 टाइम स्लॉट के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा पोल पे रिस्पांस आ गया वो वाले पे टाइम क्लास कंडक्ट करा लेंगे, बाकी बच्चे YouTube पे देख लेना, ठीक है, चलेगा ना। 9 से 12 वाली में कर देना, देखो वैसे मुझे लग रहा है कि कवर हो जाएगा,
बट इन केस नहीं हुआ तब के मैं छोड़ूंगी। अभी आपकी एक एक क्लास और है मेरे साथ सैटरडे तक ना, सैटरडे वाले को जाएगा। क्या कराओगे वैसे एकदम रेजोनेंस रह गया और ट्रांसफर? हां रेजोनेंस, यस हम ट्रांसफर हो भी तो रह गया। हां रेजोनेंस भी तो रह गया ना, तो रह गया मैम ऑसिलेशन। एलसीआर सर्किट भी एक बड़ा टॉपिक और रेजोनेंस भी, तो मुझे लग रहा है कि एलसीआर कवर हो जाएगा, रेजोनेंस रह जाएगा। अगर मैं आपको एलसीआर कराऊं तो रेजोनेंस भी कराऊं, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। फिर जब दोबारा आपके आई थिंक बीच में ब्रेक होने वाला है, मुझे ऐसा सुनाई दिया था बच्चों के थ्रू, तो अगर वो ब्रेक होने वाला है तो उसके बाद मैं नहीं चाहती ना कि वो चीज अटकी रह जाए। एसी ट्रांसफॉर्मर तो चलो फिर भी एक अलग सा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है, कराया जा सकता है, बट रेजोनेंस इज डिपेंडेंट ऑन एलसीआर। तो मैं रेजोनेंस अगर एलसीआर कराऊंगी तो रेजोनेंस करा के ही मतलब छोटा ही है मैम, ज्यादा बड़ा थोड़ा है, सब तो आज आप हैं। हां देखो चलो अभी कराते हैं, देखो देखो सुनो, हमारे मिड टर्म हो रहे हैं ना तो उसमें ब्रेक मिलेंगे हमें। हां तो तुम आओगे थोड़ी, मैडम मैं तो क्लास ले लूं। मैम जो पेपर होगा हमारा उसी की क्लासेस चलेगी, मतलब रिवीजन होगा। देखो यूजुअली क्या होता है इंडिया में, जितने भी घर होते हैं उसमें करंट जो सप्लाई होता है वो एसी फॉर्मेट में होता है और 220 वोल्ट पे होता है ना, मैंने बताया था 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मैम यस मैम, इस फॉर्म में आपके पास आपने क्या लिखा है, इनोइड क्या लिखा है? मैं ये लिख रही हूँ कि एट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस फॉर्म में जाती है, मतलब थोड़ा सा समझ लेना आगे, पूरा लिखने का मेरा मन ज्यादा हो नहीं रहा है, ठीक है या लिखूं बताओ? मैम हमारे ही लिखो मैम, आप ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी लिखोगे फिर हमें आएगा नहीं समझ। ये बात तो है, ठीक है 220 वोल्ट है। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है कि हर इंस्ट्रूमेंट इतना वोल्टेज कंज्यूम कर ही ले, रुक जाएगा कुछ नहीं होता सबके पास, है ना? यस मैम, सम इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट स्टैंड विद दिस वोल्टेज। जब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस पे वर्क ही नहीं करेंगे, फंक्शन ही नहीं करेंगे, तो भाई हमें उन्हें बचाना पड़ेगा ना, थोड़े कि बार बार खरीद के लाएंगे और काम भी वो करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे हम करेंगे खत्म। तो ऐसे में एक बार बताओ, सपोज ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो नहीं खड़ा हो सकता 220 वोल्ट के सामने, तो हमने एक काम किया कि वोल्टेज का लॉस करा देते हैं, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करा देता है कि अगर इसको जितना भी चाहिए वो ये ले ले और बचा हुआ कोई और इंस्ट्रूमेंट उसको कंज्यूम कर ले। तो मेरे को इतने पॉइंट पे दिमाग में आया कि भाई एक काम करते हैं, रेसिस्टर लगा देते हैं, है कि नहीं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. But the thing is, तो आप लोगों के दिमाग में आया कि we can connect resistor. तो दिक्कत ये है ना कि हम एक चीज भूल गए कि resistor अगर हम connect करेंगे, but there is a problem in the solution कि अगर हम resistor connect कर दिए तो भाई वो power loss भी तो कराएगा, उसके लिए power Vrms Irms, समझ रहे हो, ये ऐसे जाके cos phi तो बनी हो गया इसके लिए, resistor के लिए सबसे ज्यादा पावर लॉस कराएगा। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं कि दिक्कत क्या आई कि रेसिस्टर को लगाने पे देयर इज टू मच लॉस ऑफ पावर, ये हमको नहीं चाहिए, ये हम इलेक्ट्रिसिटी का बेकार का बिल क्यों भरे भाई। तो सोल्यूशन तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रूमेंट बचाना भी है और बहुत ज्यादा हमें पावर लॉस कराना भी नहीं है, तो इसका सोल्यूशन ये आया। क्या उसकी वजह से हीटिंग भी प्रोड्यूस होगी? हाँ, वही वही तो बहुत चीजें होंगी। तो अब उसका पता है वो क्या आया सोल्यूशन, एक काम करो इंस्ट्रूमेंट लगाओ और इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आप इंडक्टर लगा रहे हो ना, वो रेसिस्टर लगा रहे हो साथ में, एक काम करो इंडक्टर और लगा दो। अब ये जो आपके सामने सर्किट बनकर आया बेटा, ये सर्किट, ये इसको बोलते हैं चोक कॉइल, ठीक है, दिस इज नोन एज चोक कॉइल, जिसका बेसिकली मतलब है आर एल का सीरीज सर्किट, इज दैट फाइन? यस मैम। बुक्स में पता है क्या लिखा होता है, इसको प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, और उसको बोलने की दो वजह, सबसे पहली वजह तो ये कि खाली इंडक्टर लगा दो, इंडक्टर का जो कॉइल है जो वायर है वही रेसिस्टेंस का काम कर जाएगा, ये सुनो। मैम
क्या बेटा? मैम मतलब इसमें हमने आरएल सीरीज में लगा दिया सर्किट को। हाँ हाँ इंडक्टर और लगा दिया, पहले खाली आप रेसिस्टर लगा रही थी, इस बार इंडक्टर और लगा दिया। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या होगा कि खाली आप इंडक्टर लगा दो, भाई इंडक्टर क्या है, वायर्स है ना, उन वायर्स का रेसिस्टेंस होगा, तो आपको आर अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें है। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन अभी आप देखोगे क्या है, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस यही आएगा ना। अब मुझे पता है कि अगर मैं आर बहुत ज्यादा रखूंगी तो पार लॉस होगा। यस मैम। सो वी नीड टू टेक अ वेरी लो रेसिस्टेंस वाला वायर, है ना? तो मतलब आर है बहुत 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 कम, लेकिन हमें तो भाई चाहिए कि जी ज्यादा हो जाए ताकि ये इसको मतलब क्या चली जाए, इसमें पार चली जाए, वोल्टेज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अच्छा खासा अमाउंट में। तो उसके लिए हमने क्या करा कि एक्सएल को बहुत ज्यादा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि भाई हमें पता है एक्सएल के लिए कॉस्ट वाइज जीरो होगा, पता है ना हमको वाली चीज। अब देखो हमने क्या बढ़िया काम करा, हमने यहां से पार लॉस को कंसिडर करने की कोशिश की कि कॉस्ट वाई होता है आर बाय जी, यानी कि आर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर एल प्लस आर स्क्वायर। एक काम करो, नीचे से आर कॉमन ले लो, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एल बाय आर स्क्वायर प्लस वन, आर से आर कैंसिल, यानी कि कॉस फाई का वैल्यू आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर एल बाय आर स्क्वायर प्लस वन। आया समझ? Yes, ये जो वैल्यू आई है, अब आप खुद से देखो, आपने बोला कि एक्सएल इज वेरी वेरी लार्ज, है ना, आपने बोला कि आर इज वेरी वेरी स्मॉल, आर को लगभग लगभग जीरो मान लू। अगर आर को लगभग लगभग जीरो मान लिया तो ये इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा नीचे, और वन बाय इन्फिनिटी जीरो नहीं हो जाता। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ये देखने मिल जाएगा कि जो कॉस फाई है दैट इज लगभग लगभग जीरो, पार का लॉस समझ रहे हो, है ही नहीं अब, और वोल्टेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी बच गया और पार लॉस भी नहीं हुआ। समझ में आया चोक कॉइल का मतलब क्या है, इतना यूजफुल काम है चोक कॉइल का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस चीज को ध्यान रखना, कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है चोक कॉइल पे, तो आपको चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्या है। सबसे पहली बात तो सीरीज आरएल सर्किट है, पावर लॉस करा देगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करा देगा, इंस्ट्रूमेंट बचा देगा, ये सारा काम कर देगा, और कैसे करेगा आपके सामने है। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अच्छा बताओ, जो कॉस फाई के बाद आपने आर कॉमन लिया था, इससे कैसे रिलेट करता है? आर कॉमन ले लिया, हट गया, ये आपके पास कॉस फाई का फैक्टर आ गया। अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला एक्सेल बहुत 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 ज्यादा है, आर बहुत 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 कम है, तो लगभग आर को अगर आप जीरो मान लो तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाता है ना, इन्फिनिटी प्लस वन इज इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी इज जीरो, तो लगभग लगभग ही जीरो हो गया। ठीक है मैम, आपने वेरी के बाद क्या लिखा है, टू। हाँ देखो इस, और दूसरा रीजन इसको प्योर इंडक्टिव सर्किट जो बहुत सारी बुक्स बोलती है, इनफैक्ट एचसी वर्मा भी बोलती है, उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सेल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आप ऐसे समझो कि एक्सेल ज्यादा बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, इसीलिए इसको प्योर इंडक्टिव भी कभी कई कई बार बोल दिया जाता है। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्योर इंडक्टिव नहीं होता, रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, थोड़ा ही सही बट होता है। यस ठीक है, चलिए अब मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि इस टाइम जो है हम बातें करें, लेकिन बातें हम फिर कभी कर लेंगे। इस बार मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, सिर्फ एक फाउंडेशन ले कर रही हूँ मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इज दैट फाइन? जो मेरा आपके साथ दोबारा होगा उसमें मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग ये चीजें यहीं डिस्कस कर लें, एक एलसीआर सर्किट बनाते हैं। देखो और आप मतलब बेसिक बस इसको समझो ध्यान से कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। कभी ये रहा एक एसी सोर्स इस तरह से, ठीक है, चलो हमको सिंबल्स पता है कि ये एल, ये सी और ये आर। अब इक्वेशन जैसे आप कुछ भी मान लो, जैसे मैंने माना कि यहाँ पर मैंने करंट भेजा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे यहाँ पे आप लिख के बताओ कि V of L क्या होगा, V of R क्या होगा, और यहाँ पे बता दो V of C क्या होगा, बता पाओगे क्या?
बताओ L होगा प्लस 9 हो जाएगा मतलब मैम V ऑफ r तो sin ओमेगा t प्लस pi / 2 देखो मैं आपको लिख देती हूँ वेरी नाइस जो V L की बात करूं अगर मैं मुझे पता है इंडक्टर क्या बोलता है करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय पाई बाय टू करंट पीछे रह जाएगा तो जो भी करंट का फेज है उसमें आप माइनस कर देंगे प्लस करेंगे और करंट लैग्स बिहाइंड अब देखो अब अभी तो लैगिंग कर रहा है अगर आप प्लस है ना अब अगर मैं सी की बात करूँ तो सी के लिए आप लिख दोगे v not of c is equals to sin omega t minus pi by 2 का स्टेटमेंट है करंट लीड्स द पोटेंशियल अब करंट को लीड करना है ओमेगा टी है लीड तब करेगा जब ये माइनस में जाएगा यस मैम अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो रेसिस्टेंस बोलता है कि भाई हम तो सेम फेज में जाएंगे देखो आपने ये जो मुझे वोल्टेजेस लिखवाए हैं इसी के बेसिस पे मैं इसका फेजर डायग्राम बना सकती हूँ अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रहा करंट का डायरेक्शन तो आप मुझे बोलोगे कि मैम अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो ये डायरेक्शन हो गया v not of r yes ma'am v not, हाँ, इसे प्लीज बोलने की आदत डालो v not of r क्योंकि आप vr as a function of t यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते ठीक है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v not of l और बेटा ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास v not of t ठीक है आप पता है एक काम कर सकते हो v not की जगह यहाँ पे आप vrms put कर सकते हो अगर चाहो तो आप डायग्राम vrms of r vrms of l vrms of c का भी बना सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था rms is the dc वाली फील ऑफ ac है ना कांस्टेंट वाली फील ऑफ ac ठीक है ये फेजर डायग्राम हुआ आपके lcr सर्किट का इज दैट फाइन यस मैम ठीक है वेरी नाइस मैम कंपलसरी तो नहीं है ना से आरएमएस लिखना ही मैं मतलब नहीं नहीं ये मैं आपको बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता होनी चाहिए वाली बात v नॉट l को आप लिख सकते हो i नॉट xl इसको आप लिख सकते हो i नॉट r और बेटा इसको आप लिख सकते हो i नॉट xc i नॉट हर तरफ से निकाल देते हैं तो एक इम्पीडेंस वाला डायग्राम और बना लेते हैं xc r c हां अभी बनाते रुको 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 देखो यहां पे बन जाएगा i हमेशा आई को बना के रखो ताकि आपको पता हो कि आपको चीजें कहाँ कहाँ रखनी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका बन रहा है ना कि आर इसी फेज में होगा है ना एक्सएल इससे पाई बाय टू आगे होगा और एक्स सी इससे पाई बाय टू पीछे अभी जो आपके डायग्राम्स है हाँ बोलो बेटा मैम इसका इम्पीडेंस कहाँ बनेगा उसमें डायग्राम में हाँ उसके लिए आप केसेस हैं वो केसेस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी लेकिन मैं आपको भी फील दे देती हूँ उस केस का इसका डिस्कशन इतना ही है इसमें आपको मैं अलग से केसेस जो बताऊंगी ना उसमें हम आगे फिर वो फेजर डायग्राम वेव डायग्राम या वैसी वाली चीजें बना पाएंगे चाहो तो बनाना वरना रहने देना कोई दिक्कत नहीं बस एक्सप्रेशन निकालनी सीख जाना देखो हो गया ये वाला अब आप खुद सोचो इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को अपोज कर रहा है ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं ना तो इस चीज को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि भाई केस नंबर वन क्या बन सकता है कि एक्सएल बड़ा है एक्ससी से या आप लिख सकते हो कि वी नॉट ऑफ एल इज ग्रेटर देन वी नॉट ऑफ सी बेटा इस सिचुएशन में क्या होगा जो आपका सर्किट होगा वो कुछ कुछ इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा एल आर सर्किट जैसा बिहेव करेगा यस मैम है ना मेक सेंस ना यस मैम यस यस मैम ठीक है अब अगर मैं आपसे एलआर सर्किट की बात कर ली आपने जैसा बिहेव करेगा अगर मैं आपसे केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड आपसे ये बोल सकता है कि भाई एक्सएल छोटा है एक्ससी से यानी कि वी नॉट ऑफ एल इज स्मॉलर देन वी नॉट ऑफ सी अब इस केस में आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि सी आर सर्किट जैसा बिहेव करेगा यस यस मैम और आपको अच्छे से डील करना आता है इन सर्किट्स के साथ आपको एल आर और सी आर क्लियर है बिल्कुल तो कल का लेक्चर देखने से पहले ना एक बार फिर से पढ़ लेना उसके नोट्स और देखो अब ये जो केस थर्ड बनेगा भाई ये तो चलो ग्रेटर देन वगैरह वाली बातें हो गई ये भी तो हो सकता है ना कि एक्सएल और एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए
यस मैम यस। और ये वाला जो सिचुएशन आपके सामने आएगा इसको बोलते हैं रेजोनेंस। और ये अब आपको हमें पूरा फील आ रहा है कि यही प्योर रेसिस्टिव की तरह बिहेव करेगा क्योंकि बाकी सब तो हट गया। समझ में आया? तो इसलिए मैं बिना रेजोनेंस पढ़ाए टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकती। इफ आई स्टार्ट एलसीआर व्हिच आई जस्ट डिड तो मैं ये केस थर्ड तक लेकर ही जाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा सेशन अगर लगेगा तो लगेगा, फिर वो आपको देना पड़ेगा कभी भी। So thank you so much for being so nice. Back slide दिखा दो। अभी ले लो मैम। अभी तो मेरी दूसरी क्लास है, उनको भी यहाँ तक पहुँचा दूँ मैं। हमारी नहीं है मैम, हमारी नहीं आज। आपकी नहीं है? बाय वाली मैम, मैं नेटवर्क शो हो रहा है। नहीं यार, अगर तुम इस चीज पहले बताते ना, लेकिन उनका भी तो मैथ्स का कुछ सेशन होगा, वरना मैं तुम लोगों को ना पहले बुला लेती, फिर मैं एक पूरा ही सेशन ले लेती है दो वाला। यस मैम, नेक्स्ट आप तो मैथ्स। चलो कोई नहीं, फिर मैं भी शांति पर चला रहा। हाँ ये भी बात है। चलिए हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। पता है मैंने ना उन लोगों को 11th वाले बच्चों को बोला कि एक मैं कोई कोलिजन का केस पढ़ा रही थी, कोई इश्यू नहीं है उसमें, नॉर्मली बात चल रही थी M1 M2 बड़ा हो ये वो, तो कोलिजन कैसा होगा कि एक बहुत बड़ा मास है वो रेस्ट पर है और कोई छोटा मास उस पर आके टकरा के जाए, टकराए तो वापस चला जाएगा, जिस वेलोसिटी से आया उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसका एग्जांपल देने के लिए उन्हें हाथी और चींटी वाला एक केस सुनाया और मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं तुम्हें हाथी और चींटी बनाकर दिखाऊंगी। तो दे वर लाइक कि अच्छा बना दो यार। मैंने कहा हाँ, तो मैंने चींटी तो ऐसे बनाई, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये रही आंट। चींटी है अब तुम देखो मैंने हाथी क्या बनाया था। मैंने कहा ये रहा हाथी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो। अरे रुको तो सही, मैं भी एडिट कर दूंगी। बहुत बढ़िया, अलग किस्म का हाथी है मैम। अरे रुको तो सही, वॉल बना दिया आपने तो। दीवार है हाथी, अभी आएगा हाथी सही में। अभी रुको, हाथी ये रहा दीवार के पीछे। हाथी का है मैम के पीछे है, वो खाना खा रहा है उधर, रेस्ट पे है। ये सही है। दिस इज एलिफेंट। और फिर मैंने उन्हें ऐसे एक और एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने उन्हें सूर्यवंशम का वो नहीं है हीरा ठाकुर। यस मैम।